सो हे यू, व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं आपका फेवरेट पोकेटो ब्रदर एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो भाई वीडियो को देना लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब, पर ज़्यादा ही प्यार आ रहा हो अपने भाई पे तो वीडियो को फैला देना, कोने कोने पे यानी कर देना शेयर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी में कब आएगा बेब्लेड बस्ट टर्बो, जो कि एंड होने के बाद आना चाहिए था बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन के, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। तो इस बात में हम इस वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे, और हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मेटल फ्यूरी क्यों बंद हो गया, स्टॉप क्यों हो गया वो आना। सो बिना किसी देरी के वीडियो को यहीं पर शुरू कर लेते हैं। हेलो वन टू बबलू, जरा इंट्रो लाना। हाँ भी आवाज। I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I would travel across the land, searching far and wide. It's Pokemon to. हाँ तो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा मेटल फ्यूरी क्यों बंद हुआ, यानी बेब्लेड मेटल फ्यूरी अभी बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन आने के कुछ दिनों पहले ही हंगाम मार्वल एचक्यू पर आना स्टार्ट हो गया था, वो जो कि अचानक ही हो गया था, कुछ पता नहीं चला था। और फिर बाद में हमें पता चला कि वो टेस्टिंग के लिए किया गया था कि उससे कितनी TRP मिलती है, और भाई वो हमारे वजह से सक्सेस होता हुआ इस बात में, उसको बहुत TRP गेन होती है, इसलिए उसकी वहीं से डबिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसमें स्टार्टिंग के 10 एपिसोड दिखाते हैं टेस्टिंग के लिए, और उसमें पता चल जाता है कि यहाँ पे बेब्लेड का कितना क्रेज़ है इंडिया में। और फिर उसके बाद उसकी डबिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इतनी बढ़िया डबिंग हो रही है इस टाइम, जितनी बढ़िया हंगामा के किसी चैनल पर नहीं होती है, बहुत बढ़िया डबिंग हो रही है, इसलिए टाइम ले रहा है। और हम अगर आपने अल्टीमेट हकाई भाई की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना। और अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि बेब्लेड बस्ट टर्बो हिंदी में कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, बेब्लेड बस्ट टर्बो अभी तो मेरे ख्याल से 3-4 महीनों के बाद ही आएगा, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम हुआ है बेब्लेड बस्ट को एंड हुए। तो ये तो एक रूल सा है हर चैनल का कि कोई भी सीज़न एंड होता है तो उसको अपने चैनल पे 2-3 बार तो ज़रूर दिखाते ही हैं। जैसे बेब्लेड जी रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ तो उसको भी 3-4 बार दिखाया था, तो ऐसे ही करते हैं। ये वी फोर्स ख़त्म हुआ था, उसे भी 3-4 बार, बेब्लेड 1-4 जितने सीज़न होते हैं उनको 3-4 बार तो ज़रूर से ज़रूर दिखाते हैं TV पे। तो इसलिए कुछ टाइम लगेगा अभी बेब्लेड बस्ट टर्बो आने में। और आपको पता ही होगा कि एक हैशटैग भी चल रहा है, सोनिक ब्रिंग बैक एनिमी, जो कि हमारे अल्टीमेट हकाई भाई ने चलाया है, इनका प्रॉफिट भी उन्हें ही जाता है। तो आपको पता ही है क्या करना है, तो वो सब तो कर देना, और पेटिशन का लिंक भी आप उनकी वीडियो में जाके देखना, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाके ज़रूर से ज़रूर साइन कर देना। और आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाना खाते रहिए, ठड़ा ठड़।